भाजपा नेता सुनील मूसेपुर के नेतृत्व में 21 बसों का आरती यात्रा काफिला रेवाड़ी से हरिद्वार हुआ रवाना। सुनील मूसेपुर ने कहा, जब तक जीऊंगा इसी तरह करता रहूंगा समाज की सेवा और जारी रहेगा आरती यात्रा का कारवां। पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बावल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तीर्थ यात्रा पर जा रही महिलाओं ने कहा, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हरिद्वार में गंगा स्नान की ओर, वो भी सावन के पवित्र महीने में। महिलाओं ने कहा, हर मनोकामना पूर्ण हो सुनील मूसेपुर की। कहते हैं, भले ही चार धाम की यात्रा ना करो, लेकिन किसी का जरिया बनकर उसे एक मंदिर तक की सीढ़ियों तक पहुंचा दो, चार धाम की यात्रा का प्रतिफल मिल ही जाएगा। इसी कड़ी में 6 महीने पूर्व शुरू हुई आरती यात्रा में अब तक हजारों लोग निःशुल्क तीर्थ यात्राएं कर चुके हैं और शनिवार देर शाम भी भाजपा नेता सुनील मूसेपुर के नेतृत्व में 21 बसों का विशाल काफिला रेवाड़ी से हरिद्वार के लिए रवाना हुआ और इस काफिले को पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बावल ने हरी झंडी दिखाकर हर हर महादेव के जयकारों के साथ रवाना किया। इस संदर्भ में आरती यात्रा के संयोजक सुनील मूसेपुर ने कहा कि भक्त और भगवान के मिलन का एक माध्यम बनना उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा, इस यात्रा का उद्देश्य उन लोगों को तीर्थ यात्रा करवाना है जिनके पास पर्याप्त साधन और सामर्थ्य नहीं है और तब तक इस आरती यात्रा का कारवां चलता रहेगा जब तक ये जिंदा रहेंगे। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार यात्रा पर जा रही महिलाओं के उत्साह को देखते हुए सुनील मूसेपुर की धर्मपत्नी ने कहा कि परमपिता परमात्मा इनका ये उत्साह हमेशा बनाए रखे और ये आरती यात्रा यूं ही चलती रहे। आरती यात्रा के संदर्भ में यात्रा पर जा रही महिलाओं ने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो कभी हरिद्वार जाकर गंगा स्नान कर सकेंगी, वो भी सावन के इस पवित्र महीने में। उन्होंने इस तीर्थ यात्रा के लिए भाजपा नेता सुनील मूसेपुर का धन्यवाद किया और कहा कि जिस मंशा से ये आरती यात्रा करवा रहे हैं उनकी वो मंशा भोले पापा जरूर पूरी करें। रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, शुरू करो। हाँ जी, बताओ। हम बूढ़पुर लाखलोर से आए हैं और हमें सुनील यादव तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे हैं, उसकी मनोकामना पूरी हो और उसका लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जो हम तो ऐसे ही उम्मीद भी नहीं थी जाने की और अचानक हमें यात्रा पे ले जा रहा है, उसका धन्यवाद। सावन का महीना है और बहुत शुभ रहे। हम जिला लाखलोर से आए हैं, हमें सुनील ले जा रहा है मिसकरिया और ये हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। हम मनोकामना उनकी पूरी, सावन का महीना, हमने ये सोची भी नहीं थी कि देखने चाचक हमारा ये प्रोग्राम बन जाएगा। हम तो भगवान की दुआ ये चाहते हैं कि उनका भी मनोकामना पूरे और हमारा भी तीर्थ यात्रा। पहले कितनी बार गए हैं आप? नहीं जी, हम नहीं गए, पहली बार जा रहे हैं। पहली बार कैसा लग रहा है? पहली बार हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो नुक भगवान उनको शुक्रिया दे, उनको मनोकामना पूरी हो गई। हमें लग रहा सावन के महीना में जो हमें ये तीर्थ करा रहे हैं, हमें ये सोची भी नहीं थी चांचक जो हमारे हम ये तीर्थ कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे सुनील मूसेपुर जी, हम एक हरिद्वार जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम वहाँ पे तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। पहले कितनी बार गए आप हरिद्वार? पहले मैं जा चुकी एक बार, लेकिन अभी सावन का महीना है और ऐसे में तीर्थ यात्रा कराना बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पता नहीं जाते या ना जा पाते, पर अब तो सभी लोग साथ जा रहे हैं।